अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं हूं उनसा एहसन और आज मेरे किचन में बन रहा है स्पाइसी सा चिकन पास्ता। तो जी, हमें लेने हैं लार्ज एल्बो पास्ता और 3 अदद टमाटर, और जी एक मैंने शिमला मिर्च ले ली है, और इसके साइड में जो है ये है हरी प्याज। तो हरी प्याज भी मैंने इसमें कट करके रख दी है, शिमला मिर्च और हरी प्याज। और जी ये है बन गोभी, और जी हमने दो 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 अदद हरी मिर्च ले ली है, और चिकन मैंने बोनलेस ले ली है, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कट कर दी। और सॉसेस हमने जो जिसमें डालने हैं चिली सॉस, विनीगर, सोया सॉस, ठीक है जी। और हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, केचप ऐड नहीं करनी, चिली गार्लिक सॉस ऐड करनी है जी। तो आप देख लें ये सारा सामान हमें ऐड करना है इसमें। तो जी एक साइड पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, एल्बो मैक्रोनी जो हमें इसमें डालनी है बॉईल करने के लिए, उसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। ऑयल ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे आपकी जो पास्ता है वो अलहदा रहेंगी, चिपकेंगी नहीं एक दूसरे से। 7 से 8 मिनट के लिए आप इसे बॉईल कर दें, ये रेडी हो जाएंगी। वैसे आप जो पैकेट लेंगे उसमें इसका टाइम लिखा होता है, आप उसके हिसाब से इसे बॉईल कीजिएगा। तो जी हमने जो चिकन ली थी क्यूब्स में कटी हुई, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच टिक्का मसाला, किसी भी कंपनी का आप ले लें, और 2 चम्मच हमें ऑयल अलग से, आप एक अलग बर्तन में आप 2 चम्मच जितना ऑयल आप गरम कर लें। तो ये मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ हम अपनी जो सब्जी हमने वेजिटेबल काट के रखी थी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, इनको आप सौते कर लें। तो जी सौते करने के लिए हमें इसमें डालना है 2 चम्मच भर कर चिली सॉस, और 2 चम्मच भर के सोया सॉस, और थोड़ी सी काली मिर्च आप ऐड कर लें इसमें। नमक ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि सोया सॉस वगैरह और चिली सॉस में जो है नमक ऐड होता है, आप उसके हिसाब से ऐड कीजिए, तो मैंने ऐड नहीं किया था। तो इसे आप हल्का सा सौते कर लें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे अलहदा कर लें। तो जी मैक्रोनी जो थी हमारी बॉईल हो गई थी, तो हमने इसमें भी 1 चम्मच ऑयल डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ताकि वो चिपके नहीं, एक दूसरे से अलहदा रहेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलहदा होने चाहिए ना, जब चिपक जाएंगे तो वो बिल्कुल ही मलीदा सा और अजीब सा होगा, वो टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा और खूबसूरती नहीं आएगी ना। तो चलें जी, यहाँ हम 2 से 3 चम्मच ऑयल दोबारा गर्म कर लेते हैं, और जो टमाटर हमने लिए थे वो हम इसमें ऑयल में डाल देते हैं, और अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच सोया सॉस जी। तो हमने ऐड कर दी है, सोया सॉस भी ऐड कर दी, चिली सॉस भी ऐड कर दी, और विनीगर 1 चम्मच आपको ऐड करना है, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर या 1 टीस्पून आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर लें। अच्छा जी, और इसमें कुटी हुई मिर्च जो हमने ऐड करनी है वो 2 चम्मच भर कर ऐड करनी है, मैंने ज़्यादा ली थी तो मेरा स्पाइसी था। इसमें थोड़ा सा धनिया भी मैंने डाला था पीसा हुआ। तो चलें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, और जो चिकन हमने मैरिनेट की थी वो भी आप इसमें ऐड कर लें। मेरी वीडियो का एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए जी। तो यहाँ मेरी चिकन भी रेडी थी और मसाला भी तकरीबन रेडी ही है, बस 5 मिनट और मैंने इसको दिया था, और अच्छे से उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ आप देख लें इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो जी जो मैंने मैक्रोनी को निकाल के रख दिया था ऑयल लगाकर, ये आप देख लें ये अलहदा ही है, अभी तक मिक्स नहीं हुए हैं। तो ये आप ऐड कर लें उस मसाले के अंदर। तो जी ये लीजिए, हम मैंने कर दिए हैं, डाल दिए इस पर, अब मिक्स करते हैं। और जो मैंने वेजिटेबल सौते करके रखी थी, आप इस टाइम वो भी ऐड कर लें, क्योंकि इस सब्ज़ी को जो है वो गलाना नहीं था, वो हल्की से हमने सौते करनी थी, क्योंकि
क्योंकि उसका क्रंच जो हम खाएंगे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी यहाँ मैंने ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड किया है मैंने चिली गार्लिक सॉस, जो मैंने नेशनल की ली थी। टोमेटो केचप नहीं यूज़ करनी, चिली गार्लिक सॉस ऐड करनी है, क्योंकि ये बड़े स्पाइसी से, हॉट स्पाइसी से होते हैं, बहुत ही यमी। तो जी यहाँ ये हो चुके हैं रेडी। तो चले हम करते हैं अब इसे डिश आउट। तो जी तैयार है जी हमारे स्पाइसी से, हॉट स्पाइसी से चिकन पास्ता। ये बहुत स्पाइसी होते हैं, बहुत यमी भी होते हैं जूसी से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, कोई मेहमान आ जाए तो ये तैयार है जी। चले यहाँ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे आने वाली सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।